बात करते हैं शातिर सीमा के रहस्य लोक से जुड़ी हुई, क्योंकि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीमा के दोस्त ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि दुबई में डांसर थी सीमा। सीमा हैदर दुबई में डांसर थी, ये खुलासा किया है सीमा हैदर के दोस्त ने। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, कि जिस तरह से इंडियन जो है उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है। तो यार वो जिस तरह से उधर गई हैं, वो तो ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ उससे प्यार करती थी, इस वजह से गई हूँ, ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ, ना मेरा ऐसा कोई है। तो पाकिस्तान उन्हें वापस भेजना चाहिए, मुझे ये लगता है, अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहती हैं तो। वो नहीं आना चाहती तो फिर आप वहीं पर रहे जिससे प्यार करती हैं। फिर मैं तो यही कहूँगी, अगर उनके हस्बैंड भी खुश हैं कि वो उनके साथ रहें, तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें सचिन से शादी कर लेनी चाहिए। सचिन से वो शादी कर चुकी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मैं इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। ओह, मैंने इतनी डीपली स्टोरी देखी, मुझे पता था कि उन्होंने शादी भी कर ली हुई है, इनका जो मजहब है वो भी अपना कन्वर्ट कर चुकी है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म पर जा चुकी है। बस फिर उनके लिए यही कहेंगे, इंडिया जाना और इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक है, और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वाह क्या सीन है। लेकिन अपने मजहब को छोड़कर आप किसी और के मजहब में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मजहब को छोड़ के उनके मजहब में चली गई। तो इंडिया गई हैं, अब वो वहीं पर रहें, अगर वो कहती हैं कि मैं जेल में भी रह लूँगी, तो मुझे लगता है फिर जेल में ही रहना सही है इनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो आ गई तो यहाँ पर तो कोई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही है, क्योंकि उन्होंने अपना मजहब कन्वर्ट कर लिया, शादी की होती तो वो अलग बात थी, अब उन्होंने अपना मजहब चेंज कर लिया, तो मुझे बिल्कुल बहुत शॉक्ड हुआ है सुन के कि अपना मजहब ही कन्वर्ट कर लिया यार एक बंदी ने, तो ये गलत था। अब वो वहाँ पर कहती है कि मैं उनकी खातिर जेलों में भी रह लूँगी, तो ये फिर आपकी बहादुरी है और आप रहें फिर वहीं पर, मैं ये कहना चाहूँ। अच्छा हानिया, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया में जाता है इनलीगल तरीके से, वो गई मैं मानती हूँ, या कोई इंडियन पाकिस्तान आता है, तो हम दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज हैं, आर्मी है, पुलिस है, उसको टेररिस्ट क्यों कहना शुरू कर देते हैं? उसको कहते हैं कि भाई वो इंडियन आर्मी का स्पाई है, वहाँ से वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का स्पाई है। तो हम एक पाकिस्तान के एक आम आवाम, एक आम जनता इन दोनों मुल्कों की लड़ाई में कब तक सफ़र करेगी? मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है कि हम कहते हैं कि, मुझे भी इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि वो इंडिया गई हैं, वहाँ पर उनसे प्यार कर, ठीक है गई हैं, कोई मसला नहीं है, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू ईसाई सब रहते हैं वहाँ पर, लेकिन अपना मज़हब कन्वर्ट करना ये बस ठीक नहीं है। और पाकिस्तान में ये हमारे छोटे से बच्चे को ना, शुरू से आपके भी बच्चे होंगे, आप भी जानती हैं, छोटे से बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, और इंडियंस जो है उन्हें भी यही कहा जाता होगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हमारी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। एज अ पीपल अगर हम लोग मिले ना एक दूसरे से, बॉर्डर्स पर भी जाते हैं, मैं वाघा बॉर्डर भी गई हूँ, ये कसूर का जो गंडा सिंह बॉर्डर है वहाँ पर भी मैं गई हूँ काफ़ी बार, तो वहाँ पर जो इंडियंस हैं, हिंदुज़म है, वो सब आपको इस तरह से मिलते हैं, और पाकिस्तानी भी हम भी, कि जिस तरह से हम लोग बहुत भाई बहन हों, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं एक दूसरे के। लेकिन ये जो है ना अफवाहें फैलाई जाती हैं कि एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते, ये हमारे मीडिया पे और इंडिया के जो मीडिया है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है कि अच्छा हमको सिखा रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से बातें करना, नहीं तो आवाम बिल्कुल भी एक दूसरे को बुरा नहीं। सबसे बड़ी जानकारी सीमा हैदर से जुड़े एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं, पहले से ही जांच के घेरे में और संदेह के घेरे में सीमा हैदर थी जो कि बॉर्डर क्रॉस कर आती है पाकिस्तान से, और अब एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। तो सीमा हैदर का दुबई कनेक्शन अब सामने आ रहा है, और किस तरह से अब एक एक कर तमाम चीजें सामने आ रही है, जरा सुनवाते हैं आपको। वह 10 सवाल तो हैं जो सीमा हैदर किसी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। वह 10 सवाल तो हैं जो सीमा हैदर को साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। चार बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन पबजी गेम में दिन भर व्यस्त कैसे रहती थी। पांचवी पास मिडिल क्लास घरेलू महिला एक नहीं दो दो पासपोर्ट क्यों रखेगी। अपने चार बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली आई।
यही नहीं दूसरी पार पाकिस्तान सीमा लौटी तो अपने चार बच्चों को एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवा कर लौटी, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। सीमा कहती है उसने मकान बेचा था, लेकिन क्या पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतना अधिकार है। पति को भनक लगे बिना उसने मकान कैसे बेच लिया। सीमा दुबई जाती है और पाकिस्तानी रुपयों को द्रम में बदलवा लेती है, फिर दुबई में होटल और कैब का इंतजाम आसानी से कर लेती है। घुसपैठ के आरोप में भारत में पकड़े जाने पर भी कैसे इतनी शांत कैसे दिख रही है। घुसपैठ के आरोप में भारत में पकड़े जाने पर भी कैसे इतनी शांत कैसे दिख रही है। सीमा ने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने चार बच्चों का भी फर्जी आधार कार्ड कैसे बनवा लिया। पाकिस्तान में उसने जितने फ़ोन इस्तेमाल किए उनमें से एक भी वो भारत लेकर नहीं आई। नेपाल से भी उसने दूसरे लोगों के हॉट स्पॉट से व्हाट्सअप कॉल किए। पाकिस्तान में वो अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़ाई। ये सभी क्वेश्चन हैं जो सीमा हैदर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सभी दस प्रश्न हैं जो सीमा हैदर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इससे लगता है कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इसी तरह की अगर आपको न्यूज़ देखनी है तो हमारे साथ बने रहें और सीमा हैदर और सचिन के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहना चाह रही है वह भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है उससे लगता है कि कोई ना कोई बड़ा इरादा है। तो चलिए हमारी यह रिपोर्ट देखिए। आज जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, वो ये हैं। ये दो शख्स आप देख सकते हैं जो दुबई में उनसे मिले हैं सीमा से, और दुबई में इनको पता है कि वो कैसे डांस करती थी, क्या सारी कहानी है। ये उनकी मोहब्बत भी करता था, ये उसका जो है इश्क की इंतहा तक मोहब्बत करता है, तो क्या सारी कहानियां जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना आप नाम बताएं। साजिद हाशमी। साजिद हाशमी, आपका नाम क्या जी? आदिल। आदिल, साजिद साहब पहले तो आप ये बताएं कि सीमा को आप जानते हैं? जी मैं उसे जानता हूँ। कैसे जानते हैं? सही, अच्छी तरह जानते हैं या? अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोग एक शूटिंग के हवाले से, क्योंकि मैं शोबिज़ में काम करता हूँ, शूटिंग के हवाले से हम लोग दुबई गए हुए थे, तो अचानक क्लब में जाना हुआ, तो वहाँ ये मुझे तो नहीं पता था कि ये इतना इशू होगा, ये चीज़ होगी। मेरे पास इसकी वीडियोस भी हैं डांस वाली, तो क्लब में डांसर है ये। क्लब में क्या है? डांसर है, डांस करती है क्लब ये में। पक्की रिपोर्ट आपके पास? साजिद हाशमी जो हैं ये जानते भी हैं, ये दुबई आते जाते भी रहते हैं। मैं आपको कोई फैक्ट्स, मुझे इंस्टाग्राम पे इन्होंने मुझे कहा कि मैं शोबिज़ में भी चीज़ें करता हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पे जो है उनसे मेरा रब्ता हुआ। वो लड़की खुद, सीमा का भी शोबिज़ में शौक था ना? हाँ, शोबिज़ में शौक था, बल्कि हमारे डायरेक्टर साहब थे, उनसे मुलाकात भी उसने की थी। हम एक फ़िल्म के सिलसिले में दुबई गए हुए थे, लेकिन वो उनका कोई इशू था और उन्हें रोल नहीं मिला, तो वो बड़ी अच्छी डांसर हैं, उधर क्लब में उन्हें हमने देखा है डांस करते हुए। अच्छा, आपने देखा है उनको डांस करते हुए। तो आप क्या क्या सीन है आपका, ये बातें जो कर रहे हैं चलें ठीक है, आपकी उनसे क्या मोहब्बत का सीन है ये बताएं जी। वो अगर करती भी हैं तो इनको क्या मसला है, क्या मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ आपको भी पता है, तो ये बात गलत कर रहे हैं कि वो ऐसे है वैसे है। हाँ करती होगी, मोहब्बत तो वो सचिन से करती है जो इंडिया में भाग गई है, जिसके साथ मोहब्बत तो वो 10 से करती है। आप भी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं? वो अब आपको पता है मोहब्बत मोहब्बत ही होती है, मैं करता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, वो करती है लेकिन उनका अपना है। ये क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं, ये इनको नहीं शर्म आ रही? भाई मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं उसकी हकीकत मीडिया के सामने ला रहा हूँ, हकीकत उसकी बता रहा हूँ। यार हकीकत की बात अलग है, लेकिन वो एक औरत है, इनकी इज्जत भी होती है यार, आप उनको बदनाम कर रहे हैं, कोई शर्म है होती है? उसने कोई औरत होने का सबूत दिया है? उसने सारी हदें पार कर दी हैं, ये औरतें इस तरह की होती हैं, ऐसी औरत होने से बेहतर है इंसान मार दे ऐसी। देखें आप जैसा, आप जैसा, हाँ जी बोले बोले यार, इन देखें ना आप, वो कैसे बोल रहे हैं, उनको क्या क्या कह रहे हैं। वो एक मुसलमान भी थी, उनकी एक इज्जत है यार। आप मुसलमान ऊपर से अगर आपकी हो कोई, आपकी थी, अगर आपकी भी हो कोई मुसलमान हो ना, देखें मुझे एक बात बताओ, आप मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन यार जैसे आप बकवास कर रहे हैं ना कि ये वो वैसे की बात नहीं है। आपको मैं 50 करोड़ देता हूँ, आप छोड़ दोगे मजहब? अल्लाह को मानना छोड़ दोगे?
ये बात नहीं है, बात वो नहीं ना, कितने भी पैसे दे कोई मुसलमान अल्लाह को मानना नहीं छोड़ता। ये किस तरह की मुसलमान है जो हिंदू हो गई है यार, वो कहाँ से मुसलमान? आपको पता है एक मिनट, एक मिनट, हिंदू नहीं हुई वो, हिंदू का झूठा ड्रामा कर रही है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। ना वो मुसलमान थी ना हिंदू थी, ठीक है।